हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। अगर आप पेटीएम यूज करते हो तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक नया फीचर यहां पे ऐड हुआ है यूपीआई लाइट के नाम से। साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे भी यूपीआई लाइट लिखा है एंड नीचे भी यूपीआई लाइट का एक ऑप्शन आ रखा है। तो बहुत सारे यूजर्स इसे इग्नोर कर रहे हैं ये सोच के कि जिस तरह फेसबुक का लाइट वर्जन है उसी तरह यहाँ पे इसमें भी कुछ फीचर आया होगा, तो इसे इग्नोर कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, ये वाला फीचर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप छोटे ट्रांजेक्शन करते हो। तो कैसे हेल्पफुल होगा आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में यूपीआई लाइट है क्या, कैसे काम करता है, कैसे एक्टिवेट करना है एंड इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीआई लाइट ये फीचर क्या है, कैसे काम करने वाला है, ताकि आपको समझ में आए। बाद में हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि कैसे इसे एक्टिवेट करना है, कैसे पेमेंट करना है, किस तरह ये काम करने वाला है। सो गाइज, ये जो यूपीआई लाइट वाला फीचर है ये हम सबकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। कैसे कर देगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली हम शहर जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इस तरीके से पेमेंट करते हैं। अब आपको पता है पेमेंट करते हैं, जैसे मैंने फोन पे से क्यूआर कोड को स्कैन किया, यूपीआई पिन अमाउंट डाला, फिर यूपीआई पिन डाला, पेमेंट डन कर दिया। जबकि यूपीआई लाइट वाले फीचर में आपको यूपीआई पिन ही नहीं डालने हैं, इसमें सिर्फ ये फीचर है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करो या फिर किसी को पेमेंट करो, अमाउंट फिल करो, पेमेंट को डन करो, पेमेंट डन हो जाएगा, आपको किसी तरह का यूपीआई पिन नहीं डालना है। तो एक तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया कि आपको टाइम कम लगेगा, यूपीआई पिन डालने का झंझट ही नहीं रहेगा। दूसरा फायदा आपको ये होने वाला है, बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, जैसे हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए एंड बैंक जाते हैं, पासबुक को प्रिंट करवा के लाते हैं, तो उस केस में भी आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि इस यूपीआई लाइट फीचर में आपको क्या करना है, अपने बैंक से कुछ पैसे ऐड कर लेने हैं जिसे आप यूपीआई लाइट से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, फिर जब भी पेमेंट करो यूपीआई लाइट से पेमेंट कर देना है, तो वो एंट्री आपके बैंक में नहीं जाएगी, इस फीचर में रहेगा। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, 10, 20 रुपये, 50 रुपये इस तरीके से करके बहुत सारे पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंक में जो स्टेटमेंट में एंट्री है वो बढ़ जाती है एंड जब आप बैंक में पासबुक को प्रिंट कराने जाते हो तो बैंक वाले आपको प्रिंट करके ही नहीं देते, तो इस केस में भी आपको फायदा हो जाएगा एंड पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा यूपीआई लाइट के बाद। तो अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, लाइव इस फीचर को देख लेते हैं। अब तक का तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आगे का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना ताकि उनको भी इस फीचर के बारे में पता चल सके। सो गाइज, अभी मैंने पेटीएम की ऐप को ओपन कर लिया है। जैसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले में भी यूपीआई लाइट लिखा है एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ पे यूपीआई लाइट लिखा है, सेटअप नाउ लिखा है। लाइव मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है और ये जो पेमेंट है वो किस तरीके से होता है वो भी बताऊँगा। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, अदरवाइज ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप यूपीआई लाइट लिखोगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप देख सकते हो प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको अपडेट कर लेना है, हो सकता है एप्पल के फोन में अभी ये अपडेट नहीं आया होगा, तो अगर आप आईफोन यूज करते हो तो भी आप चेक कर लेना, हो सकता है अभी नहीं आया तो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो आपको कहीं पे भी क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई लाइट सेटअप नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने इस तरीके का ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब अभी आप देख सकते हो चूज बैंक अकाउंट फॉर एक्टिवेटिंग यूपीआई, बहुत सारे बैंक में अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक जो राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो है, तो मेरे वाला कोई सा भी बैंक यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। कौन कौन से बैंक सपोर्ट करते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, चेक सपोर्टेड बैंक लिस्ट, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पे। अगर आपका एसबीआई बैंक में है तो भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बाकी और मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। जैसे आपका बैंक सपोर्ट करता है उस पर क्लिक करना है एंड यस यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, मेरे में नोटिफाई का दिखा रखा है, आप में एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप एक्टिवेट कर लेते हो तो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो
पे अप टू रुपये 200 विथआउट UPI पिन। आप जैसे किसी QR कोड को पेमेंट करते हो या फिर किसी मोबाइल नंबर पे पेमेंट करते हो या फिर किसी UPI ID पे पेमेंट करते हो, जैसे पेमेंट करोगे 200 रुपये से कम का अमाउंट होगा तो आपको UPI Lite का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जैसे आप एक्टिवेट करोगे फंड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप फंड ऐड कर सकते हो और उस फंड से पैसे कटवा सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, जो आप पैसे आप इसमें ऐड करोगे मैक्सिमम आप 2000 रुपये ऐड कर सकते हो। जैसे आपने 2000 रुपये ऐड कर लिए इस वाले फीचर में एंड पेमेंट करोगे तो UPI Lite का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें एक तो आप सोचो कि दिन में 10 पेमेंट करते हो, 10 10 20 20 50 का इस तरीके से, तो आपके बैंक अकाउंट में जो स्टेटमेंट में एंट्री होती है वो 5-10 एंट्री हो जाती है। एंड अगर आप इसमें ऐड कर लेते हो तो एक बार आपने 2000 जो ऐड किए हैं उसी का यहाँ पे एंट्री होगा, बार बार एंट्री नहीं होगी। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करने वाला है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको पेमेंट करना है। जैसे आप यहाँ पे स्कैन एंड पे पे क्लिक किया, किसी भी QR कोड को स्कैन किया, जैसे मैंने इसे स्कैन कर लिया एंड यहाँ पे मैं 10 रुपये का पेमेंट करता हूँ। जैसे 10 रुपये इंटर करूँगा तो यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें UPI Lite का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, मेरे जो बैंक अकाउंट है वो कोई सा भी यहाँ पे UPI Lite को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, अगर आपका भी उन बैंक में अकाउंट है तो आप UPI Lite को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे आप एक्टिवेट कर लोगे उसके बाद में फंड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आप मैक्सिमम 2000 रुपये ऐड कर सकते हो, मिनिमम कितना भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद किसी भी QR कोड पे या फिर किसी भी UPI ID पे अगर आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट वाले पेज पे आपको UPI Lite का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे 200 रुपये से कम अगर आप पेमेंट करोगे तब आपको UPI Lite का ऑप्शन मिलेगा, जैसे 100 50 150 कितने का भी आप पेमेंट करते हो। सो गाइस, होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। UPI Lite के बारे में आपको कंप्लीट मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, कैशबैक ऑफर, टेक न्यूज इस तरह के वीडियोज मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।